जी अस्थाना जी, कल किस समय का प्रोग्राम रख रहे हैं आप? हाँ, बात तो आपकी सही है, अब काफी समय भी नहीं रह गया है जी। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, काम में भला क्या परेशानी होगी, और वैसे भी आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा जी। जी बहुत अच्छा, मैं कल सुबह ही इंटरसिटी पकड़कर 10-11 बजे तक आपके पास पहुंचता हूँ जी। जी प्रणाम। क्या कह रहे थे समधी जी? अरे कुछ नहीं, कल खाने पर इनवाइट किया है, कह रहे थे काफी समय से कोई मुलाकात भी नहीं हो, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और आगे की बातों पर प्लान भी हो जाएगा। और आपने हाँ कर दी, मना कर देते, आपकी तबीयत वैसे भी खराब रहती है और ऊपर से इतना ट्रैवल, अभी जो पिछले हफ्ते शुगर टेस्ट करवाया था उसमें भी तो शुगर इतनी हाई आई है, और वो कुछ खाने पीने को देंगे तो मना करेंगे क्या आप? अरे तो क्या लड़के वालों को सीधा ना बोल दूं? क्या सोचेंगे भला कि एक तो इतने प्रेम से इनवाइट किया और लड़की के बाप ने मना कर दिया। एक तो तुम कुछ बात समझती नहीं पर सीधे फरमान सुना देती हो। अरे लड़की की शादी का मामला है, छोटी छोटी चीजें बात बिगाड़ सकती है। तुम हो कि बस मेरी सेहत को लेके बैठ जाती हो हर बार। और वैसे भी हमें समधी बहुत अच्छे मिले हैं जो हमसे इतना कोऑपरेट करते हैं। चाहे तो दहेज में कुछ भी मांग कर सकते थे, पर क्या उन्होंने एक पैसे की भी डिमांड की? अब तुम ही बताओ, ऐसे व्यक्ति के नियति को मैं कैसे इनकार कर दूं? अरे मैं मानती हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपनी बेटी को ऐसा ससुराल मिला है, अपनी सहूलियत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उनको बताते कि तबीयत नहीं ठीक है तो कुछ दिन और का प्रोग्राम ना लेते। अरे तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे क्या बात हो रही है मियां बीवी में? अरे बेटा देखो ना, तुम्हारे पापा कल तुम्हारे ससुर। हाँ हाँ, वो समधी जी का कॉल आया था, कह रहे थे कि उनकी होने वाली बहू कैसी है, बहुत ख्याल रखते हैं वो अब तुम्हारा। सोच रहा हूँ कि कल उनसे मिला, कुछ बातें हैं जो उनसे बैठ कर डिसाइड करनी है, और वैसे भी ज्यादा समय भी तो नहीं रह गया है। वो सब ठीक है, पहले अपनी दवा ले लीजिए और फिर आराम कीजिए, कल सुबह जल्दी भी तो उठना। सुबह से मैं और अनन्या सफाई में लगे हुए हैं और आप हैं कि न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं। ये साफ तो है घर, तुम ऐसे ही परेशान हुए जा रही हो। आपको ना कुछ भी समझ नहीं आता, आ रहे होंगे समधी जी अभी। लो आ गए। जी नमस्ते। बताइए माथुर जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, 2 घंटे के सफर में कैसी थकान। अरे अनन्या बेटा, पढ़ाई सब सही चल रही है ना? अच्छी चल रही है अंकल। आदर्श जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? अरे वो प्राइवेट नौकरी को तो आप जानते ही हैं, काम पड़ जाए तो क्या सैटरडे और क्या संडे। आप दोनों यहाँ बैठ कर बात कीजिए, हम अभी आते हैं। चलो। पेंट नया किराया लगता है? हाँ वो नई नवेली बहू को लाने के लिए नया घर तो ले नहीं सकते, तो पुराने को ही रेनोवेट। भाभी जी भी आ गई। चाय? चीनी तो मुझे सख्त मना है, क्या करूं, मना कर दूं क्या? नहीं नहीं,
वहीं उन्हें ये ना लगे कि लड़की के पिता के बहुत नखरे हैं। लीजिए ना चाय लीजिए। कमाल है, बिना चीनी की चाय। शायद ये लोग भी हमारे घर की तरह कम मीठा पसंद करते हैं। और भाभी जी ठीक? सब बढ़िया। सरिता टाइम हो गया है, खाना लगा दो। जी बहुत अच्छा, चलो। चलिए तब तक मैं आपको बहू का कमरा दिखा देता हूँ। जी अच्छा। माथुर जी आपसे कुछ बात करनी थी। जी हाँ बोलिए। शादी में कुछ कम दिन रह गए हैं और मैं समझता हूँ काम ज्यादा है, तो ऐसे में शादी को सिंपल रखिएगा और कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक हमसे कह दीजिएगा। जी ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने इतनी बात सोची। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके और हमारे रिवाज थोड़े अलग है, उसका थोड़ा उनको हम दो बार कर लेंगे। जी अच्छा, बहुत अच्छा। जी वो खाना लगा दिया है, ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। चलिए चलिए। नहीं नहीं भाभी जी। अरे लीजिए ना, शर्माइए मत। और किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा, हम यहीं हैं। चाय तो ठीक थी, पर जरूरी तो नहीं कि खाना भी हमारे घर जैसा बिना मसाले का। मेरी तबीयत की वजह से घर पर कम नमक और कम मसालेदार खाना बनता है, पर ये भला क्यों खाने लगे ऐसा खाना, इतने प्यार और मेहनत से बनाया है, मन ना करते हुए भी तो अच्छा नहीं लगता। अरे खाइए। जी खाना भी हमारे घर जैसा, क्या इत्तेफाक है। साहब खाना तो बहुत अच्छा बना था। थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर शाम को चलते हैं टहलने। जी चलिए हम आपको कमरा दिखा देते हैं। चलिए। अरे अंकल आप उठ गए? रुकिए बस मैं एक मिनट में आती हूँ। ये लीजिए सौंफ का पानी। पापा ये लीजिए सौंफ का पानी। पापा टहलने के बारे में पूछ रहे थे, वो तो रेडी है, आप एक बार तैयार हो जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा जी नमस्ते। जी नमस्ते। अस्थाना जी आप बुरा न माने तो एक सवाल था मन में, आप लोगों को मेरी आदतें, मेरे खाने पीने के तरीके, मेरी हेल्थ कंडीशंस, इन सब के बारे में इस कदर कैसे पता। अब जैसे कि बिना शक्कर की चाय, सुबह उठकर सौंफ का पानी पीना, ये सब आदतें तो मेरे घर वाले ही जानते हैं। संदी जी वो कल आपसे फोन पे बात हुई थी ना, उसके तुरंत बाद हमें अलंकृता का फोन आया था। मम्मी जी प्रणाम। अरे बेटा खुश रहो। कैसे हैं आप लोग?
यहाँ सब ठीक है, तुम कैसी हो बताओ? मम्मी जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बेटा बोलो। मम्मी जी पापा की तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहती, शादी की भागदौड़ में वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अभी पिछले हफ्ते ही टेस्ट में उनका बीपी और शुगर दोनों बहुत बड़ा हुआ मिला। मम्मी जी मेरे पापा बहुत ही सरल स्वभाव के, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे और मुझे डर है कि इनका यही स्वभाव उनकी तबीयत ना बिगाड़ दे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम किसी और दिन का प्लान बना लेते हैं, है ना? अगर अब आप प्लान कैंसिल करेंगे तो उन्हें और टेंशन हो जाएगी, मगर हाँ एक रास्ता है। हाँ बताओ। अगर आप एक दिन के लिए उनकी आदतों का ध्यान रखेंगे तो ना बात बिगड़ेगी और ना तबीयत। हाँ ये सही रहेगा, एक काम करो तुम मुझे सारी बातें बता दो, मुझे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जी मम्मी जी, तो सबसे पहले अरे बस इतनी सी बात, तो इसमें कौन सी हमें परेशानी होने वाली थी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं यहाँ सब देख लूंगी। जी प्रणाम। प्रणाम। कैसी रही मुलाकात? हाँ अच्छी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ के देहांत के बाद सब खाली खाली हो गया था, मुझे तो लगता था कि मेरी माँ की कमी कोई पूरा ना कर पाएगा, लेकिन मैं गलत था। मेरी बेटी मेरी माँ के रूप में इसी घर में मौजूद है।